prendre bon. खासियत ये है कि ये एक विलुप्त होने की कगार पे है और आज नहीं तो कल आने वाले समय में ये जीव खत्म हो जाएंगे। ज़्यादातर कोबरा के बारे में ये कहा जाता है कि ये भगवान शंकर के गले में विराजमान रहते हैं, लेकिन ये तर्क है और हम ग्रंथों में या शिव पुराण में और भी जो हम न्यूज़पेपर में देखते हैं बहुत सारी इनके बारे में, और ग्रंथ कई ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें इसके बारे में जिक्र किया गया है और भगवान शंकर के साथ इनको जोड़ा हुआ है, लेकिन उसका जुड़ाव इसलिए है कि इनका संरक्षण हो सके। आप इस तरह के जीव को बिल्कुल न मारें। आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, आप वन्य जीव विभाग को सूचित कर सकते हैं और बहुत सारी जानकारियाँ जो है आपको इसके बारे में गूगल पर मिल जाएंगी। ये जल्दी से काटते नहीं हैं, ये क्या करते हैं जैसे ही आप इसके नज़दीक से जाएंगे ये फुसकार के आवाज़ करता है और तुरंत सचेत कर देता है कि आप मेरे से दूर रहें, मेरी यहाँ पर मौजूदगी है। तो इसको दोस्तों हम छोड़ने जा रहे हैं, आप बिल्कुल इसको ध्यान से देखिएगा। दोस्तों ये रेड स्नैक है जा, जो कि विषैला नहीं होता। चलो जाने दें इसे, ये आज़ाद है। दोस्तों ये था रेड स्नैक जो कि बिल्कुल ही जहरीला नहीं होता है, जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं कि रेड स्नैक इसका मतलब होता है चूहे वाला सांप। ये चूहे खाता है, 1% भी जहरीला नहीं होता, बल्कि बहुत अच्छा है किसानों के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि ये जो अनाज खाने वाले चूहे होते हैं, आपको पता है 300 किलोग्राम एक वर्ष के अंदर एक चूहा अनाज खा जाता है खेतों से, और आप अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पर सैकड़ों चूहों के बिल होते हैं खेतों के अंदर, तो कितना अनाज वह अपने भूमिगत लेकर के चला जाता है। लेकिन ये उन पर कंट्रोल रखता है और आप हमेशा ध्यान रखें, बल्कि ये खेतों के अंदर होने चाहिए। थैंक यू। ये कोबरा है, खतरनाक होता है, जहरीला होता है, लेकिन आप ध्यान रखें कि ये जल्दी से किसी को नहीं काटते हैं, बशर्ते आप इसके ऊपर पैर ना रखें और इसके साथ छेड़छाड़ ना करें। वन्य जीव विभाग को फ़ोन करें या हमारी टीम की हेल्प लें। अभी हम इसको छोड़ने जा रहे हैं। दोस्तों ये किल बैक स्नैक है जो कि जहरीला नहीं होता, आप इसको देख सकते हैं। चलो, ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं है, दलदली इलाकों के अंदर पाया जाता है ज़्यादातर। हम लोगों का इन जीवों को बचाने का एक संकल्प है, हम इन्हें मारने नहीं देते। और आप भी अपने आसपास में अगर कहीं इस तरह से स्नैक दिखाई देते हैं तो उन्हें मारिए नहीं, बल्कि हमारी हेल्पलाइन नंबर जो है ERTN एमरजेंसी रिलीफ टीम नेटवर्क है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, और इसके अलावा आप वन्य जीव विभाग को भी फ़ोन कर सकते हैं।